हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल टीम का कैंप स्टार्ट हो चुका है और कल उनका फर्स्ट फ्रेंडली मैच था एटीके मोहन बगान के खिलाफ। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में मैच रिपोर्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन और लाइनअप के साथ। तो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का फॉर्मेशन देखें तो 3-5-2 था, जहां पे जीएसएस गोलकीपर थे, सेंटर बैक पे अनवर अली थे, राइट बैक पर आशीष राय, लेफ्ट बैक पर आकाश मिश्रा, मिडफील्ड में देखें तो ग्लैन मार्टिन्स, जिक्सन सिंह, अनिरुद्ध थापा, ब्रैंडन और वही उदंता सिंह, राइट विंग पर, लेफ्ट विंग पर जो है वीपी स्वेर थे और फॉरवर्ड लाइन यानी कि स्ट्राइकर पोजीशन पर सुनील छेत्री सर थे। वे एटीके मोहन बगान की बात करें तो वो 4-3-3 में उतरे थे, जहाँ पे अर्श जो उनके सेकंड गोल कीपर है उनको मौका मिला। वही बात करें सेंटर बैक पे तो टेरी और प्रीतम कोटल की सेंटर बैक पेयरिंग थी और राइट बैक पर प्रबीर दास थे, लेफ्ट बैक पर सुभाषित बोस, मिडफील्ड में देखा तो काल मैकजू, विद्यानंदा और जॉनी कौको थे और फॉरवर्ड लाइन पर लेफ्ट विंग पर लिस्टन थे, राइट विंग पर मनवीर सिंह और स्ट्राइकर फॉरवर्ड पोजिशन पर जो है कियान नासिरी थे। मैच रिजल्ट की बात करें तो एटीके मोहन बगान ने इंडियन नेशनल टीम को 2-1 से हराया है। गोल स्कोरर की बात करें तो एटीके मोहन बगान के लिए लिस्टन और कियान नासिरी थे, वही इंडियन नेशनल टीम के लिए सुनील छेत्री सर थे। मेरे थॉट्स कल के मैच के बारे में इसे कि कल जो हम एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे वो भी अपने होम साइड क्लब के खिलाफ यानी कि एक इंडियन क्लब के खिलाफ, तो यहाँ पे हमें जो एक अटैकिंग माइंडेड गेम प्ले दिखाना चाहिए था, जहाँ पे हम 4-3-3 में जा सकते थे एक पोजिशन बेस्ड फुटबॉल, लेकिन हम गए एक 3-5-2 में, जहाँ पे एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, डिफेंसिव वाइज फुटबॉल हमने खेला, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम जीत भी जाते तो उसका कोई पॉइंट्स तो मिलता नहीं। अगर यहाँ पे थोड़ा अटैकिंग माइंडेड खेलते तो कहीं ना कहीं अच्छा होता, और एटीके मोहन बगान भी कोई अपने सारे फॉरेनर्स के साथ नहीं खेले थे, सिर्फ 3 ही फॉरेनर थे, टेरी, काल मैग्यू और जॉनी कौको, और इनके खिलाफ हमारे इंडियन प्लेयर्स खेल चुके हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो एटीके मोहन बगान के ऑलमोस्ट सारे यंग प्लेयर्स थे, तो उनके खिलाफ यार हम इतना डिफेंसिव खेलेंगे तो कैसा चलेगा। कल का इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का लाइनअप और फॉर्मेशन कुछ ऐसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, जहाँ पे जीएसएस गोलकीपर थे, सेंटर बैक पे अनवर अली और हरमीपन रूविया, राइट बैक पर हम जो है आशीष राय को रखते, लेफ्ट बैक पर आकाश मिश्रा, मिडफील्ड में देखे तो अपुया सीडियम, सेंटर मिडफील्ड पर जैक्सन सिंह और अटैकिंग मिडफील्ड पर हम साल को रखते, क्योंकि साल का सीज़न काफ़ी बढ़िया गया है। लेफ्ट विंग पर वीपी स्वीयर काफ़ी बढ़िया थे, स्ट्राइकर पोजीशन पर सुनील छेत्री सर, और राइट विंग पर मैं जो उदंता की जगह जो है चांगते को देखना चाहता था, क्योंकि चांगते का परफॉर्मेंस आईएसएल में भी अच्छा था और एएफसी चैंपियंस लीग में भी अच्छा था, और वही उदंता का देखे तो उदंता का आईएसएल का वैसा भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो चांगते काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकते थे राइट विंग पर। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट तो नहीं हुआ था, जिसके वजह से जो है हम ज़्यादा डीप जा नहीं सकते, और इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम जो और दो फ्रेंडलीज खेलने वाली है आई लीग स्टार्स के खिलाफ, तो उसका अभी लाइव टेलीकास्ट का अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको इस चैनल पर दे दूंगा, और साथ ही में जो आई लीग स्टार की जो टीम का लाइनअप है उसका भी अपडेट मैं इस चैनल पर दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जितने भी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के अपडेट्स हैं छोटे या फिर बड़े, वो मैं आपको इसी चैनल पर दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय।